नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमन कल्याण। सुशांत सिंह राजपूत की तो मौत हो गई, तो आप सब जानते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है वो अभी तक मरी नहीं है, वो अभी बात भी कर सकती है। ये मेरा दावा नहीं है, ये मैंने दावा नहीं किया है, ये स्टीव हाफ ने दावा किया है। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, हाफ पार्टनर, वहाँ पर ये दावा किया गया है कि वो उसने एक मशीन बनाई है जिसकी मदद से वो सुशांत सिंह राजपूत से, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से वो बात करता है। और क्या क्या बात करता है उसके ऊपर एक यूट्यूब चैनल पे उसका पूरा वीडियो डाल रखा है। मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों को अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन बात यह है कि ये क्या ये सच है, क्या कोई आदमी मर जाने के बाद उसका आत्मा जिंदा हो सकता है, उसका आत्मा रहता है, क्या वो आत्मा हमसे बात कर सकता है? ऐसे तो बहुत ही अफवाह है, बहुत ही घटनाएं होती रहती है कि किसी ने भूत देखा है, किसी ने आत्मा देखा है, कोई प्रेत है, कोई कुछ है, लेकिन अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं कर पाया कि आत्मा क्या चीज़ है, वो आत्मा होता है कि नहीं होता है, ये किसी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। तो बात यह है कि स्टीव हाफ, हम स्टीव हाफ को कोई मामूली इंसान नहीं समझ सकते। स्टीव हाफ उस टॉपिक पे, आत्मा के रिलेटेड टॉपिक से ही वो बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा है। अपने 10 साल या 12 साल की मेहनत से, उसने कहा है 10 साल या 12 साल की मेहनत से उसने वो डिवाइस बनाया है जिस डिवाइस की मदद से वो आत्मा से बात कर सकता है। उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बात की, जो जिसका वीडियो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। वहाँ पर कहा गया है कि स्टीव हाफ ने उससे पूछा कि आपको किसने, आपको आपको मर्डर हुआ है क्या कुछ हुआ। उसने जवाब में कहा कि दोस्तों की कुछ दोस्ती थे, 3 लोग थे जो दोस्ती थे जिसने उसे मारा है। अच्छी तरह सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन जो उसने वहाँ पर लिखा था तो उससे हमें कुछ कुछ पता चलता है। तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है सच, असल में सच क्या है। और उस वीडियो में आप लोग इस बात को मानते हो क्या, आप लोग आत्मा भूत प्रेत को विश्वास करते हो या नहीं करते हो? मैं तो नहीं करता, मेरा सीधा बात, मैं तो नहीं करता, लेकिन क्या आप लोग इसे विश्वास करते हो? इंडिया में भी ऐसा बहुत घटनाएं घटी है, जो बाबा हरिजन के बारे में तो आप लोग सुना ही होगा, शायद होता भी होगा, लेकिन मुझे तो इस पर कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं बिलीव नहीं करता। आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप लोगों को कहना है कि आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट पर जरूर दीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए। हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है, हमें आत्मा सत्मा को मानना है नहीं मानना है ये अपना बात है, हम मान भी सकते हैं नहीं मान भी सकते, लेकिन अगर ये गलती से भी ये सच निकला तो ये अच्छा बात है, क्योंकि हमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में सभी मिल जाएगा। उसका कैसे मौत हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, वो सब कुछ हमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो खुद आके बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन ये कोर्ट में ये क्या होगा, कोर्ट में तो कोई आत्मा को आके तो नहीं बोल सकता है ना। अगर वो बात सोच भी निकला तो कोर्ट में वो प्रूफ नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द हमें हमारी गवर्नमेंट को भी ये निवेदन है, हमारे पुलिस वालों को भी निवेदन है कि जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत की मर्द की मौत की जो कहानी है उसमें जो पर्दा पड़ी वो पर्दा हटाया जाए। असली कातिल को सुसाइड किया है तो सुसाइड किया है, किस कारण किया है, अगर मर्डर हुआ है तो किसने किया है, वो सब कुछ जल्दी उसकी जल्दी फादिल हो जाए, जल्दी सब कुछ हमारे सामने खुल के आ जाए। इसके लिए हमें पुलिस वालों को, गवर्नमेंट को भी निवेदन करता हूँ, ये जो भी केस थे वो जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये जो चीज़ है जो स्टीव हाफ ने कहा है, स्टीव हाफ को हम एकदम से ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इतने सालों से रिसर्च कर रहा है, 10-12 साल से, कुछ तो नॉलेज होगा ना, वो हम जैसे आम इंसान तो नहीं है, तो हम एकदम से ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसको इंसान के समझ से बाहर है। हम आत्मा को या किसी भगवान सगवान को मानते या ना मानते ही अपना बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा चमत्कार हो जाता है कि हमको भगवान को मानना पड़ता है या भूत प्रेत आत्मा को मानना पड़ता है, कभी कभी ऐसा चमत्कार हो ही जाता है। लेकिन मैं अभी तक कोई आत्मा से नहीं मिला हूँ, इसलिए मुझे आत्मा से कोई आत्मा सत्मा में नहीं मानता, लेकिन हो सकता है, हो भी सकता है, मैं एकदम से ना नहीं कहता, हो भी सकता है। तो आप लोग को इस बारे में क्या कहना है आप लोग जरूर कमेंट में बता दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद।